दिल्ली के काफी स्कूल्स 99% स्कूल्स के अंदर वार्निंग आई है बॉम्ब होने की, और आज पूरा दिल्ली पैनिक है, पूरा दिल्ली पैनिक है। एक अलग ही किस्म का जानवर है दिल्लो, ये भी पापा के वाले नक्शे कदमों पे पूरे पूरे। हाय गाइस, वेलकम टू न्यू व्लॉग ऑन योर फेवरेट चैनल। जे नानी का घर है, और आज हमें सुबह सुबह एक बहुत ही खतरनाक न्यूज़ मिली है कि दिल्ली के काफ़ी स्कूल्स 99% स्कूल्स के अंदर वार्निंग आई है बॉम्ब होने की। तो मन्नी बहुत रश कर रही है, मन्नी का आज US वीज़ा का अपॉइंटमेंट था, वो उसने कैंसिल कर दिया और वो नहीं गई है। और अब हम सीधा जा रहे हैं शिवाय के स्कूल। सुबह के बजे हैं 10, मैं ऑफिस का काफ़ी काम बड़ी जल्दी जल्दी निपटा लिया, तो मैंने कहा कि जाने से पहले बच्चों को जल्दी खाना दे दो, क्योंकि वहाँ पर लाइन लगी हुई है और हर बच्चे को के साथ जो पेरेंट्स बाहर लाइन लगा के खड़े हैं, बॉम्ब स्क्वाड खड़ी है, साथ में डॉग्स खड़े हैं, ठीक है, स्निफिंग डॉग्स खड़े हैं। तो वहाँ पे पेरेंट्स को पांच पांच करके स्कूल के अंदर जाने दिया जा रहा है और उनकी तलाशी ली जा रही है। इन द मीन टाइम हमने नाना जी को रिक्वेस्ट किया, नाना जी वहाँ पहुँच गए अपना ऑफिस छोड़ के। तो अभी हम पहुँचेंगे, और आज चल रही है पूरे दिल्ली के अंदर रैली BJP की, साथ में थोड़ी जगह पर कांग्रेस की भी हो रही है। तो आज पूरा दिल्ली जैम पैक्ड है, तो हम तो पहुंच नहीं पाएंगे, चाहे बाइक से हो या कुछ हो। आपको पता है कल मेरी बाइक की ब्रेक टूट गई है, उस चक्कर के अंदर बाइक भी ढंग से नहीं चल रही है, तो बहुत सारी मुसीबतें सीधा सीधा सिर के ऊपर आ गई हैं। यहाँ बच्चे खाना का वेट कर रहे हैं, मैं जल्दी से इनको खाना देता हूँ, ठीक है, ताकि इनका तो काम निपटे, और इनका अगर काम निपटेगा तो हमारा दिन शुरू हो जाएगा, और इसके बाद हम भागते हैं सीधा। तो पहले ये चार बाउल में भर दूँ। तो सुबह का खाना बच्चे चारों के चारों लग के अपनी अपनी जगहों पे खा रहे हैं। घर बहुत गंदा हुआ है, सफाई की बहुत ज़्यादा जरूरत है। मुझे नहीं समझ आया इसका स्ट्रैप कौन लेगा, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन। आप CCTV फुटेज चेक करो, देखो यार, एक तो जब आपके घर में डॉग्स हैं ना, उनको भी आपको बचा के रखना पड़ता है दुनिया की नज़रों से। क्या लगता है आपको कौन ले गया होगा, नीचे लिखो, देखता हूँ। और ये ना सुबह सुबह ना सारे डिमांड कर रहे हैं कि AC चल गया, हमें AC वाले रूम में अंदर करो। तो बस अभी थोड़ी देर में खोलते हैं इनको, सीधा AC वाले रूम में जाते हैं, अभी तो घुमाने के लिए टाइम नहीं है। मन्नी गई हुई है शिवाय के पास, उससे रुका नहीं गया। और यहाँ ना ये देखो, ये मेरे पैरों के अंदर बार बार आ रही है। इन सारों में से सबसे ज़्यादा एक्साइटेड ना हमारी क्लोई है, ये देखो। बट मुझे ध्यान रखना पड़ेगा कि वहाँ पर जर्म चपट, हटो हटो यहाँ से, हटो उधर, खड़े हो जाओ, सारे खड़े हो जाओ, चुपचाप सीढ़ी मत गिराना, दो मिनट रुको, सेट। तू कहाँ जा रही है बार बार, है तो ज़्यादा एक्साइटमेंट है, सबर कर लो थोड़ी देर, सबर करो। सारे के सारे देख लो, इस फुदकी के अंदर भी ना बहुत ज़्यादा वो हो गया, ऊपर बर्ड्स को देख रही है और वहाँ मम्मी पापा के साथ ये भी वही सीख रही है सारी चीज़ें। इधर आओ सारे इकट्ठे चलेंगे, रुको रुक जा, जोई चलो, चल बब्बे चलो। पार्क में कोई नहीं है, पार्क थोड़ा सूखा हुआ भी है। तो सबसे पहली चीज देख लो, मैंने पूरा पूरा पार्क देख लिया, मैं नहीं चाहता कोई और गलती हो, मैं इसको ना लॉक कर देता हूँ। यहाँ पे पार्क में ज़्यादा से ज़्यादा शराबी आते हैं, कॉलोनी का तो एक दुक्का ही आते हैं, तो मैं करने वाला हूँ इसको एक टेम्परेरी लॉक। और ये अब हमारा कॉमन मैसेज है दूसरे वाले ओनर के साथ कि पार्क में हम हैं, अगर लॉक लगा हुआ है तो तू अगर आ भी रहा है तो देख के मुड़ जाइए, और अगर तू अंदर है और लॉक लगा हुआ है तो मैं मुड़ जाऊँगा। हमने फ़ोन पे बात कर ली, यस। बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, ओला की शक्ल तो देखो कुछ अलग ही निकल के आई है ना। हाँ तो क्या ढूंढ रही है, बॉल ढूंढ रही है, रुक जा मैं बॉल देता हूँ, रुक, ये वाली बॉल ढूंढ रही है कौन सी। और हमारे एक सब्सक्राइबर हैं श्वेता जी, उन्होंने हमें ऐसी दो बॉलें ना हमेशा वही भेजती हैं, ठीक है। ये देखो, ये सारे के सारे सुपर एक्साइटेड है बॉल के साथ खेलने के लिए। आज पानी काफ़ी हद तक सूख भी गया, और मैं आपको दिखा देता हूँ हमारा हंटर डॉग, ये लो फिर इसने पानी में पैर, ये देख रहे हो इसने पैर जान के मारे हैं इस पानी के अंदर। पीछे का पैर देखो लेडी वाली का, देख रहे हो ये जान के करती है। और वहाँ पर हमारा शिकारी अपने काम में लग गया, नया पेड़ मिल गया उसे, कि हर रोज़ की कहानी है, हर रोज़ की कुछ नया नहीं है। हाँ जी, सबके सब चलो आओ थोड़ा सा छाँव में खेलें,
आज फिर भी थोड़ी सी सफाई हुई हुई है। आजा 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 इधर आजा। हाँ चलो, यह ढेर मत खराब करना। चलो 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 और चलो चलो, ये तो शुरू हो गया इनका काम। तो गाइस आज हम ना सच में पैनिक हो गए थे। सुबह सुबह ही मन्नी का इंटरव्यू था US वीज़ा रिन्यूअल का, तो उसने जाना था तो वो नहीं गई, क्योंकि उस टाइम ही हमें न्यूज़ मिली कि हर दिल्ली के मेजर स्कूल्स के अंदर ना बॉम्ब डिटेक्शन स्क्वाड पहुँच गई है, कोई ईमेल आया है। और आज पूरा दिल्ली पैनिक है, पूरा दिल्ली पैनिक है। मन्नी ने सारे काम वाम छोड़े, अपनी आज ऑफिस की छुट्टी है, सीधा गई नानी के घर, क्योंकि नाना ने पिक किया था, हम पहुंच ही नहीं पाते। तो मन्नी गई हुई है अभी शिवाय के साथ और वहां पे पहुंच गई है सलामत। शिबियाँ उसके हाथ में है, जे उसके हाथ में है, तो शी इज़ वेरी हैप्पी कि बच्चे सिक्योर हो गए, घर है। क्योंकि आपको पता है यार, आप रहते हो ऐसे दिल्ली के अंदर, स्पेशली ऐसी ईमेल आ जाए तो बच्चों को लेके सारे पर्टिकुलर होते ही हैं, और हम जैसे इन बच्चों को लेके भी बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर हैं। ये भी अपनी मस्ती कभी भी नहीं छोड़ते और हमें ध्यान रखना पड़ता है इनका भी। वो तो अपना एक कोने पे बैठ गया। चलो आओ शुरू करें, थोड़ा थोड़ा और खेलें। पापा तो बकवास करते ही रहते हैं, है ना मानो, है ना। ओए होए होए होए, हमारी क्लोडो भी ना बहुत तेज़ हो गई, इसको भी इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट है पार्क में आने की, मुझे नहीं समझ आई। वो देखो अब वो दोनों पता नहीं क्या, एक पेड़ और गिर गया। ये देखो कैसे भागते भागते, ये देखो ये देखो ये देखो, ये देख रहे हो आप ये कैसे भागते हुए आते हैं, ये देखो। और इनके बीच में बब्जी निकल के चला जाता है, बब्जी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। वो तो सिर्फ जोई के पीछे पड़ी रहती है, उसको और कोई काम नहीं है। आप देख रहे हो सिर्फ जोई के पीछे। ओला बॉल लेके आई है, अब उससे जोई बॉल लेगी, जोई से क्लोई बॉल लेगी, तो ये ऐसे ही ऐसा ना एक पूरा पूरा साइकिल शुरू हो गया। अब देख लो आखिरी में बॉल किसके पास है, मैंने आपको बताया था जोई के पास, सॉरी क्लोई के पास। एक ना मुझे लगता है मैंने ना जोई का नाम, मतलब क्लोई का नाम ना गलत रख दिया। कभी भी मैं कमांड इसे देता हूँ ना जोई को, तो ये ले लेती है, जब मैं इसको देता हूँ तो वो ले लेती है। ये बड़ा मुश्किल हो गया हमारे लिए, है ना, बहुत मुश्किल हो गया ना हम सब के लिए। हाँ तू भी मम्मी की तरह बॉल लेके बैठती है, भागो इधर, भाग जा भाग जा। तू नहीं भागी, क्यों नहीं भागी तू, ये देखना खड़े होने का चांस। बीच में जाएगी जोई के पीछे, ये देखो देख लो जैसे एक शेर होता है ना, ध्यान से देखो इसको देखो, ये देखो बिल्कुल हल्के हल्के पैर से कोने पे खड़ी हुई है, और वहाँ दूर ये देखो ये भागते हुए आ रहे हैं, देख रहे हैं आप, देखना ये कैसे अटैक करेगी, ये देखना अभी। ये देखो इसने ना मुँह छुपाया हुआ अपना, और ये भागी ये मम्मी के पीछे और ये जोई को पास। क्लोडो आजा इधर आ, तो बुला रहा हूँ ना मैं, इधर आ, जोई को छोड़ दे थोड़ी देर। ओए हाँ मेरा बच्चू, हाँ गीली होके आई है, हैं गीली बॉल ले ली इसने उससे फिर। और जोई देखो कैसी मस्कुलैरिटी निकल रही है इसकी, धीरे 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 धीरे। आजा पापा को बॉल दे दे, गुड गोल गुड गोल गुड गोल। और इनके बीच में ना मैं आपको एक अतरंगी चीज दिखाना चाहता हूँ, पता नहीं क्या चाहता है ये ना, एक अलग ही किस्म का जानवर है, ये देख रहे ये देखो, इसकी तहस नहस करने की शक्ति ना कुछ ज़्यादा ही है। देख रहे हो आप इसकी अलग ही है, ये अपना एक अलग पावर से चलता है, बाकी पूरे पैक को कोई लेना देना नहीं है क्या कर रहा है क्या नहीं। क्या है? है? क्या है? क्या है? ये देख, हाँ जी क्लूडो आप पापा की तरह क्या करने आए हो आप इधर, हैं क्या करने आए हो आप, देखो आप पापा के पास क्या करने आए हो ये तो बताओ। पापा तो अपनी हंटिंग कर रहे हैं, अपनी दातुन कर रहे हैं, और आप भाग दी। देखो भाग जाओ, लगी क्लोडो के लग गई है ना मेरा बच्चू, पापा ना
थोड़े अलग से हैं, अतरंगी हैं। पापा देख लो क्या हरकतें कर रहे हैं। पापा अलग ही नज़ारे जीते हैं जिंदगी में। और वो कहाँ है मम्मी मासी हैं? बस करो जलो, ये भी पापा के वाले नक्शे कदमों पे पूरे पूरे तोड़ना फोड़ना देख रहे हो आप। बस कर। तो फाइनली पार्क से वापस आ गया। मैं आज आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ, ये लेडी ऑली की क्या हरकत है। ये 2 दिन पुरानी मेरी कैप है जो मैं पहनता था, आपने देखा होगा। ये देख रहे हो इसका ये वाला पार्ट, ये लेडी ऑली ने चबा के ना इसको इस हिसाब से छोड़ दिया। और ये कैप यहाँ की भी नहीं है, ये कैप मैं बाहर से लेके आया था। और ये देखो क्या हाल है इसका, एको की कैप है। आप कैप बोल लो हैट बोल लो, वैसे इसे हैट बोलते हैं, पर ये देखो इसने ना इतनी पुरानी मेरी चीज़, और ये इतनी गंदी नहीं थी, साफ़ सुथरी पड़ी थी। और अब ना इसको कोई भी नहीं पहनेगा, बट मैं धो के पहनूंगा और इसी स्टाइल में पहनूंगा, क्योंकि जो इनकी देन है ना वो भी एक हमारे लिए गिफ्ट ही है। ये देखो तू पहनेगा ऐसी कैप कभी भी हैं? वो अपने में लगा हुआ बता। ओ आर्यन तू पहनेगा ये कैप कभी भी ऐसी? मैं तो पहनूंगा। चलो अब आराम से, एसी चल रहा है गाइस, ऊपर का तो चल रहा है, घुस गया बब्बा नीचे पानी वानी पी के रेस्ट कर रहा है। अभी यहाँ पर बैठा रहेगा और ये यहाँ बैठी रहेगी। और उन दोनों को मैंने शरारतियों को मैंने नीचे छोड़ दिया। क्या कह रहा ये? $60 बहुत पुरानी कैप है। तो गाइस आज ना कमेंट सेक्शन जरूर लेंगे, मुझे बड़े दिनों से ना मैसेज आ रहे हैं कि सर आपने कमेंट सेक्शन नहीं लिया, हम आपको कमेंट करते हैं आप पढ़ते हैं। ठीक है, तो आज इस ब्लॉग के बाद ही हम अलग नहीं डालेंगे, इसी के अंदर ही डालेंगे, कमेंट सेक्शन शुरू करेंगे थोड़ी देर के अंदर, शायद अभी। सो गाइज अब टाइम है कमेंट सेक्शन का, तो कमेंट सेक्शन ले लेते हैं, तरीके से लेते हैं, शुरू करते हैं। तैज वैज इनका नाम है, इन्होंने काफ़ी बड़ा कमेंट किया। वी वांट नमिता टेकिंग द पैक टू द पार्क फॉर ट्रेनिंग, आल्सो वी नीड न्यू सेट ऑफ कंटेनर फॉर द फूड विच इज़ ईजी टू पोर। बिल्कुल ठीक है, वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद दैट। ऑल्सो अ सजेशन, गिवन दैट यू हैव 4 डॉग्स विद जस्ट 7 months डिफरेंस मोर और लेस इन ऑल, बट गेट बाउल दैट द पैक कैन रिलेट टू। सो लेट्स से बब्जी यूज द बाउल एंड देन ऑली गॉट हिज बाउल एंड बब्जी गेट्स न्यू। बेसिकली वेन बब्जी ग्रोज एंड इफ यू प्लान टू हैव मोर बेबीज लाइक ब्लू आई डीमन, ही कैन रिलेट दैट। येस आई वॉज देयर, आई हैड ग्रोन टू बी वेयर आई एम। लव क्लोई। बट या अ न्यू सेट ऑफ नाइस क्रॉकरी वुड बी अमेजिंग। Also, I think you should ask your municipality to put some man hours into work. So many dried leaves and doesn't even have grass. Bhai, aap to Canada rahe hue ho, to active in social work. You should definitely check. No time. Siddharth Sangri, 12th 81। Rahul bhaiya, kabhi Zoe ki maa aur baap ki video dikhao. Wo aapko aaj ki video ke andar dikh jayegi. Maine socha hua tha, to maine videos mangwai, to unhone bhej di. भैया ZBM आपका है, जिम आपका है, क्या लिखते हो यार तुम, है क्या दीदी आप? अब आप ठीक हो, लव यू दीदी आप। आपको देख के बहुत अच्छा लगा, आपके ब्लॉग देख के मेरा सुबह का नाश्ता शुरू करता हूँ एंड इट गोज टिल डिनर, लव यू सर, थैंक यू। इनका नाम है अमर्तिया 3531। मोटा भाग ले कभी तो इंडियन गेमिंग। नमिता जी यू डोंट नीड टू गो टू जिम, यू जस्ट, नमिता जी डोंट नीड टू गो टू द जिम, यू जस्ट चेज लेडी ऑली जोई क्लोई। नमिता जी गिव किस टू माई लेडी ऑली। नमिता जी डेड भाई, कितनी बार नमिता जी, मुझे तो मज़ा ही नहीं आ रहा पढ़ने में। नमिता जी डेड राहुल भाई एंड बब्जी पैच। राहुल भाई यू एंड सो क्यूट द वे यू आर। नमिता जी भाई भाड़ में गई नमिता जी, डोंट टीज राहुल भाई। भाई अगर अब तूने नमिता जी बोला ना कविता कुमार, नमिता जी मैं परेशान हो गया, मेरे मुँह से निकलता ही नहीं है। ब्रदर यू आर सो हार्ड वर्किंग। घंटा, आई लव मनी शाउटिंग एट द पैक टुडे एंड हर फ्रस्ट्रेशन, गॉड ब्लेस नैम्सी। राहुल भैया फॉर
जस्ट फॉर नमिता आंटी। यार कुछ नया नहीं है, जैसे मेरे व्लॉग्स में मज़ा नहीं रह गया ना, नहीं नहीं है वही है सेम। जय हिंदू राष्ट्र, जय श्री राम। आप पूरे व्लॉग में मन्नी दीदी का जलवा है। लेडी ऑल इज सो स्वीट, लव यू राहुल भाई, बिग फैन। विक्रांत सिंह, ओवर एक्टिंग बंद कर दे, कितनी बार बोला है, तेरे कहने पे कोई रुकेगा क्या भाई, तेरा तो कमेंट ही घटिया है। मोटे बब्स इज सो ओबीडियंट अमंग योर पैक, ऑल गर्ल पब्स आर प्लेफुल, लव देम ऑल। हाय, मेरे पास एक बेल्जियम शेपर्ड है और उसके पेरेंट्स जेट ब्लैक हैं, पर उसका कलर कुछ स्पॉट्स पे ब्लैक है और कुछ पर ब्राउन। कोई आइडिया ऐसा क्यों? ऐसा कोई आइडिया नहीं है भाई, जेनेटिक्स होते हैं सारे के सारे, और उसके पुरानी जनरेशन्स के अंदर ऐसा होगा तो आपको मिल गया, एंड यू शुड बी हैप्पी। हे भैया, मेरे पपी किसी को कंट्रोल में नहीं आता है, मन्नी सही नहीं है तो क्या करें, मारना सही नहीं है तो क्या करें, आप K9 फॉलो करो, लेट्स टॉक K9। तबीयत ना बहुत ज़्यादा ख़राब है भाई। कैन आई गिव सोयाबीन टू माई GSD? यू शुड नॉट, डोंट गिव सोयाबीन टू योर GSD। 320 योर एम्प्लॉयज डिडंट गेट पेड इनफ टू सी दिस स्टफ, दिस नथिंग फनी इन इट। आप सर इंस्पायर होते हैं, आई स्टार्टेड माई चैनल आफ्टर सीइंग यू, बिग फैन। बब्जी को प्लीज़ ज़्यादा प्यार दो, वो बहुत खूबसूरत है एंड निगलेक्ट फील कर रहा है भाई, उसको चाहिए, उसने जो हरकतें की हैं ना पिछले 4-5 दिनों में, आज एनर्जी नहीं है बिल्कुल भी यार, मन भी नहीं कर रहा मेरा, तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। एक दो कमेंट्स और लेते हैं, मुझे नहीं समझ आ रहा, मेरे सिर क्यों दुख रहा। प्लीज़ कीप वाटर इन द काउंट सेल ओवर नाइट एंड गिव इट टू शिवाय नेक्स्ट मॉर्निंग, नो मोर टोटके भाई, दिस नो हेल्प, जो वो बोलेगा बोलेगा, मेरे को नहीं कुछ करना। आई एम लिटरली टेंस्ड, सो मैनी थिंग्स, आज सुबह से इतना भाग रहे हैं ना हम, ठीक है। एक ये बॉम्ब की खबर जो उस दिल्ली के स्कूलों में आई है, उस चक्कर में 3 घंटे लग गए। हाय यार, क्या यार, क्या पागल बनाते हैं लोग। प्लीज़ बब्जी से नाराज़गी ख़त्म करो, ख़त्म हो गई है, आपने अगर सुबह का ब्लॉग देखा होगा हमारा नमितोलॉजी पे। सो यू डोंट नीड टू बी इनसिक्योर अबाउट योर हाइट, इंडिया में 5'8" मेल इज़ कंसिडर मोस्ट अट्रैक्टिव वूमेन। यार मुझे होता भी नहीं, मैं तो सिर्फ उसको सड़ाने के लिए करता हूँ। योर किड्स कॉन अभी 5'10" 6 feet, इवन आई एम ऑल्सो 6 feet, एंड एट 15 माई मदर इज़ 5'2" एंड फादर इज 6, तो आप पापा पे गए हो। मेमरी सीट्स हैं ना। सो गाइज, आज का ना यही कॉमेंट्स थे, कल थोड़ी एनर्जी से आपसे फिर मिलते हैं आपसे कल एक नए ब्लॉग के अंदर। सी टुमारो, हैव गुड वन, बाय।